तो जी जिंदगी आपकी, लगाम किसी और के हाथ में, मेहनत आपकी, कमा कोई और रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं वो आप पे नजर रख रहा है। तो ऐसा ही है जी हमारा इंटरनेट, हमारी वेब की दुनिया। अभी मैंने रिसेंटली एडिडास में एक सेशन लिया था ब्लॉकचेन के ऊपर और वेब 3.0 के ऊपर, तो इंस्टाग्राम पे काफी मैसेज आए कि हमें भी ये सेशन सुनना है, तो वो तो मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि कंपनी इंटरनल था वो, बट मैंने कहा चलो उस पे एक मैं कुछ इनसाइट शेयर करता हूँ आपको, और जो मैंने उस सेशन में बात भी करी थी, कोशिश करूंगा काफी सारी बातें आपको बताऊं वेब डेवलपमेंट के अराउंड एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है। एंड इतना मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम लास्ट में कहोगे यार कुछ सीख के आया हूँ मैं, कुछ सीखा है मैंने, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बहुत कुछ पता चलेगा आपको आज वेब 1.0 के बारे में, वेब 2.0 के बारे में, 3.0 के बारे में, थोड़ा बहुत ब्लॉक चेन भी टच करूंगा, थोड़ा बताऊंगा एक्चुअली में सिंपल भाषा में ताकि आप किसी को समझा पाओ। अगर आप कहोगे ब्लॉकचेन और वेब 3.0 पे डिटेल वीडियो बनाओ एग्जांपल के साथ, तो कमेंट में लिखना, मैं जरूर उस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं जी कैसे वेब डेवलपमेंट इवॉल्व हुआ और कैसे वेब की दुनिया चेंज हुई, और जैसे मैंने कहा कि आप कहीं भी जा रहे हैं वो आप पे नजर रख रहा है। दिस इज ट्रू। आज मैं जो सोचता हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे अकॉर्डिंगली वैसा दिखता है, राइट, वैसी रील्स दिखती है। मैंने अगर कोई फ्लाइट सर्च करी अपने मोबाइल से, ब्राउजर का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके, मुझे वैसी फ्लाइट्स सजेस्ट होने लग जाती हैं थोड़ी देर बाद, कम प्राइस वाली, कि इस पोर्टल से आप बुक कर सकते हो। तो ये कैसे हो रहा है? तो स्वागत है जी आपका, मैं हूं अजय, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में, कैसे इवॉल्व हुआ 90s से आज 2023-24 आने वाला है, और सब बातें बताऊंगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा सुनने में, एंड ये तुम किसी और को भी बता सकते हो और पता होना चाहिए। अगर आप फ्रंट एंड में हैं, बैक एंड में हैं, फुल स्टैक में, सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जो मैंने एडिडास के सेशन में बात करी थी वो कुछ इनसाइट्स लेके आया हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अलोंग विद बेल आइकन। तो लाइक जरूर करना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। कोई अगर नया टॉपिक तुम्हारे माइंड में हो तो जरूर मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं जरूर उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बाकी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यू कैन सी, टेलीग्राम, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस डालता रहता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर और बैक एंड के ऊपर, फुल स्टैक के ऊपर, तो यहाँ सारे लोग आ सकते हो। तो वेब डेवलपमेंट कैसे इवॉल्व हुआ अगर मैं आपको बताऊं, 90s में चलते हैं जी, 1990 में फर्स्ट वेबसाइट हमारी इंटरनेट पे आई और एक ब्राउजर था, लाइन मोड ब्राउजर। अब ये जो लाइन मोड ब्राउजर था ये एकदम ऐसा ब्राउजर था, कुछ इमेजेस नहीं, एकदम CUI, कंसोल यूजर इंटरफेस, कोई GUI बेस्ड नहीं था, इट इज कम्प्लीटली CUI बेस्ड। तो उस टाइम पे फर्स्ट वेबसाइट को टेस्ट किया गया था और इस वेबसाइट के अंदर कुछ नहीं था, ओनली टेक्स्ट था। कई लोगों को पता होगा आप में से कि 90s से शुरुआत हुई और फर्स्ट वेबसाइट हमारी टेस्ट हुई थी लाइन मोड ब्राउजर में, उस टाइम पे नो इमेजेस, नो ग्राफिक्स, कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद 2 साल बाद 92 में फर्स्ट इमेज को पोस्ट किया गया था इंटरनेट पे, और उसके बाद 93 में एक ब्राउजर आया, मोज़ेक ब्राउजर, आप सर्च कर सकते हो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये एक ऐसा ब्राउजर था, ये GUI बेस्ड ब्राउजर था और इसमें आप ग्राफिक्स वगैरह आप देख सकते थे और इमेजेस देख सकते थे। और उस टाइम पे जितनी कंपनीज थी उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम भी कुछ ऐसा बनाएं और एक वेबसाइट हम अपनी लॉन्च करें ताकि लोग हमें देखें उस वेबसाइट के थ्रू और इन्फॉर्मेशन वहां से ले सके। तो उस टाइम पे MTV, जो आपने सुना होगा, MTV जो कंपनी है, उसने अपनी फर्स्ट वेबसाइट को लॉन्च किया सक्सेसफुली इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद वहां से दुनिया बदलने शुरू हुई क्योंकि मोज़ेक ब्राउजर जब आया काफी चीजें वहां से इवॉल्व होनी शुरू हो गई, लोगों को अवेयरनेस हो गई। बट 90s से लेके 2003 तक मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसे हम बोलते हैं वेब 1.0, वो ये था कि जितना ज्यादा इंटरनेट पे डेटा डाला जाए उतना डालो, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। देन 93 के बाद आपका नेटस्केप आया और उसने आपको ये प्रोविजन दिया कि आप अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, टेबल का यूज कर सकते हो। फिर 93 में HTML का फर्स्ट वर्जन भी आया था, फिर 95 में JavaScript, 96 में CSS। तो 96 से 99 का जो पीरियड था वो काफी एक डायरेक्शन दे रहा था कि आने वाली चीजें कैसे इवॉल्व होंगी, और फेसबुक यूट्यूब उस टाइम नहीं आया था, बट ये CSS। और उसके बाद 2003 में आपका मोज़िला फायरफॉक्स, फिर 2004 में आपका यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ये सब प्लेटफॉर्म उस टाइम पे आए। तो 90s से लेके 2003 तक का जो टाइम था वो था वेब 1.0, और जो वेब 1.0 का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पे डेटा डाला जाए। आई थिंक विकिपीडिया उसका एक राइट एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा। और उस टाइम पे जो वेबसाइट होती थी, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर मैं आपको दिखाऊं कैसी वेबसाइट दिखती थी, सो ये गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हाउ वेब एप्स यूज्ड टू लुक इन वेब 1.0। तो ऐसा कुछ इंटरफेस होता था, ओनली हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट, दैट्स इट। बट चीजें इवॉल्व हुई, लोग समझने लगे और अब
काफी लोगों को डाउट रहता है क्या इंटरनेट और वेब सेम है, जैसे वेब 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है, क्या ये सेम चीजें हैं? नहीं, देखो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क। वेब क्या है, चाहे 1.0 हो, 2.0 हो, 3.0 भी, आप डिफरेंस समझेंगे तीनों के बारे में। वेब की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं, उसे कंज्यूम करने के लिए इंटरनेट चाहिए, ठीक है। सो वेब 1.0 के अंदर सिंगल कम्युनिकेशन था, मुझे कुछ चाहिए आई कैन ओनली रीड, बट अगर मुझे कुछ उस पर ओपिनियन देना है अपना, वो मैं नहीं कर सकता था। बड़ा ही उस टाइम का टाइम था जी, चीजें इवॉल्व हुई। आजकल तो देखो हर किसी के पास मोबाइल फोन है, जो भी करना हो मोबाइल फोन से कर लेते हैं। एंड जब फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आई, प्लेटफॉर्म आए 2004 में, 3 में, उसके बाद वहां से शुरुआत हुई वेब 2.0 की। और वेब 2.0 जो था गाइस, वो आपका सोशल वेब था, जहां पे अब आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो इन वेब 1.0 वी कैन ओनली रीड, बट इन वेब 2.0 वी कैन रीड एंड राइट। फिर वेब 3.0 क्या है, वी कैन रीड, वी कैन राइट एंड वी कैन एग्जीक्यूट वेब, हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, राइट। अब वहां पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, बिकॉज अगर आपको समझना है वेब 1.0, 2.0, 3.0, तो इन तीनों के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज चीजें चेंज हुई, राइट। ऑल्दो वेब 2.0 जैसे एग्जांपल आपने देखा, आजकल जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, वेब 2.0 है। तो मैंने कहा था कि मेहनत आपकी, कमा कोई और रहा है, आप कहीं भी जा रहे हो वहां पे नजर रख रहा है। तो वेब 2.0 कुछ ऐसा है जहां पे थोड़ा डेटा प्राइवेसी को लेकर इशू रहता है। जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट ओनर के पास रहती है, क्योंकि वेब 2.0 के अंदर जो चीजें हैं वो सेंट्रलाइज हैं। एक जगह वेबसाइट आपकी होस्ट है, आपको चेंज नहीं कर सकते, जैसे जितने आपको एक्सेस दिए जाएंगे उतना आप कर पाएंगे, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो हर चीजें सेंट्रलाइज है और जो भी एडमिन होगा वो कुछ भी कर सकता है, और वो डेटा कहीं ना कहीं फेसबुक को, यूट्यूब को, जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको आपका डेटा जा रहा होता है, उसके हिसाब से आपको इंस्टाग्राम पे और आपको गूगल एड्स पे चीजें दिख रही होती है, फिर आपका माइंड चेंज होता है और उस चीज को आप बाय करते हो। तो ये है आपका वेब 2.0। तो 2003 में मोजिला फायरफॉक्स, उसके बाद 2008 में आपका गूगल क्रोम आया, और 2009 में आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में। तो एक फाउंडर थे बिटकॉइन के, सातोशी नाकामोटो, उन्होंने बिटकॉइन डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। फिर गेविन हुड ने इथेरियम ब्लॉकचेन को डेवलप किया, और वहां से फिर वेब 3.0 के बारे में बात होने लगी। ऑल्दो इतना अभी हम यूज नहीं करते हैं, अपनी कंपनी में हम यूज नहीं कर रहे होते, अभी हम वेब 2.0 के अराउंड ही हैं, बट ये है कि वेब 3.0 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने एडिडास में जब सेशन दिया था, मैंने डेमो भी दिया था कि कैसे कैसे हम यूज करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत सारी बातें करी थी, जो मैं एक अलग वीडियो जरूर कवर करूंगा अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया वेब 3.0 को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा और अच्छे से बात करो, तो जरूर बात करूंगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे वेब इवॉल्व हुआ, राइट। 90s से 2003 तक वेब 1.0, फिर आपका 2004 से लेके आज तक भी वेब 2.0 ही है, हम यूज कर रहे हैं। बट 2009 में जब ब्लॉकचेन बिटकॉइन की बात होनी शुरू हुई, तो वहां से 3.0 की बात होनी भी शुरू हुई, क्योंकि 2009 में आपको याद होगा एंगुलर भी आया, एंगुलर का फर्स्ट वर्जन आया था, फिर 2015 में एंगुलर का सेकंड वर्जन आया, वहां से वर्जन आते गए, और उसके बाद 2016 में आपका रिएक्ट आया। एप्लीकेशन को डेवलप करने का माइंडसेट चेंज हुआ, डेवलपर्स का माइंडसेट चेंज हुआ। पहले फोकस होता था कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डाला जाए, अब मेन फोकस क्या रहता है, वेबसाइट को एंगेजिंग बनाया जाए, ताकि कोई वेबसाइट पे कोई यूजर आए तो वो रुके, रिटेंशन टाइम बढ़े, राइट। और वो कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है उसको हम ट्रेस कर पाए कि यूजर कितना कन्वर्ट हुआ, क्यों उसने ये चीज बाय नहीं करी, वो सब चीजें। फिर वहां पे गूगल एनालिटिक्स, बहुत सारी चीजें। तो इस तरीके से वेब इवॉल्व हुआ। ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे शिफ्ट हुए वेब 1.0 से 2.0 में, 3.0 में, राइट। अब 3.0 कहीं कहीं सेगमेंट्स में यूज होता है, कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, बट वो एकदम कंप्लीटली अलग है, क्योंकि वेब 2.0 में आप सेंट्रलाइज ऐप क्रिएट करते हो जहां आपकी वेबसाइट एक जगह रहेगी। बट 3.0 में क्या होता है, हम सेंट्रलाइज ऐप क्रिएट करते हैं, हम डैप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, और वहां पे हम टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं, वहां पे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमेंटिक वेब। अब सिमेंटिक वेब क्या होता है कि जो भी आपका इंटरनेट पे डेटा है वो आप रीड राइट कर रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओ, उसको मशीन रीड कर पाए, और रीड करने के बाद वो डिसीजन ले पाए बिजनेस के बारे में, कैसे बिजनेस ग्रो होगा। तो अभी जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, जो चैट जीपीटी है या गूगल बार्ट है, जैसे चैट जीपीटी जो बना है वो एनपीएल पे बना है, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज के ऊपर, राइट। और उसके ऊपर जो जीपीटी है वो आपका एक मॉडल है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको ट्रेन किया गया, ऐसे GPT-4 भी है। सो ये जो दुनिया है हमारी, जैसे आप चीजें देख रहे हो, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है वेब के साथ साथ, ठीक है। कुछ चीजें डेटा साइंस की ओर चली जाती हैं, और कुछ चीजें मतलब कहीं ना कहीं सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। अब हम तो वेब डेवलपर है, वेब के अराउंड है, तो हमें वेब के बारे में तो पता होने चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता है, जितनी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे 2.0 में यूज कर रहे हो, उन सबका ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास वेब 3.0 में। जैसे क्रोम यूज करते हो आप, उसका ब्रेव ब्राउजर है। अब ब्रेव ब्राउजर में कोई आपकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं रहती, आपको एक टोकन मिलता है,
और जो भी आप देखोगे वेब 3.0 बेसिकली क्या कहता है, जो भी आप देखोगे इंटरनेट पे उसको देखने के ही पैसे मिलेंगे, जो आप एड देख रहे हो उसके देखने के पैसे ही मिलेंगे, राइट। एंड ऐसे गो डैडी आपने सुना होगा, उसका अल्टरनेटिव वेब 3.0 में ENS है ना, स्पॉटिफाई का वेब 2.0 हम यूज करते हैं, स्पॉटिफाई, वेब 3.0 में ODS है, यूट्यूब का अल्टरनेटिव ओडीसी है, व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव वेब 3.0 में स्टेटस है, गूगल का रिसर्च है, अब जैसे पेपॉल हम यूज करते हैं, और ऐसी 3.0 में हमारे पास मेटामास्क है। तो जब आप डिसेंट्रलाइज ऐप 3.0 में क्रिएट करोगे तो आप मेटामास्क वहां पे यूज कर रहे होगे, वहां पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हो, राइट। देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स, आप लोकल नेटवर्क बनाते हो अपनी मशीन पे लोकल डेवलपमेंट करने के लिए, वहां पे एक हार्ड हैट नेटवर्क होता है, हार्ड हैट, ऐसे आप उसको अगर नेटिव ऐप होस्ट करना चाहते हो डिसेंट्रलाइज ऐप को, तो उसके लिए हम प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट यस, मैंने एक चीज समझी, अगर मुझे वेब 3.0 में एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो वहां पे ये रहता है कि आपको रिएक्ट तो आना चाहिए, आपको एंगुलर भी आना चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें हम यूज कर रहे होते हैं, बट ये कि हम एक्स्ट्रा क्या यूज कर रहे होते हैं, अब ether.js यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ब्लॉकचेन अगर आप अपनी बनाएंगे तो पूरा कमर्शियल है, पूरा पैसा वहां पे इन्वॉल्व होगा। तो बहुत सारे मार्केट में टूल है, पॉलीगन टूल हो गया, उसका यूज करके ऑन टॉप ऑफ पॉलीगन वो इंटरनली ब्लॉकचेन यूज कर रहा होता है, और उस पे आप उस ब्लॉकचेन को उठा के अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज अ ब्यूटी गाइस, राइट। कैसे आप देखो वेब इवॉल्व हुआ, और आने वाला टाइम भी मैं आपको यही कहूंगा चीजें आती रहेंगी, और आपको बस ये है कि टाइम के हिसाब से अपने आप को भी बदलना है, आप एक जगह रुक नहीं सकते क्योंकि IT फील्ड ही ऐसी है। तो ये सब चीजें हैं जी, और जैसे वेब 1.0 में मेन था उस टाइम पे जब HTML आया तो पूरी लाइमलाइट ही वही थी, बेसिक वेब पेजेस, HTML, e-commerce, जावा उस टाइम पे काफी ट्रेंड है, आज भी ट्रेंड है। और वेब 2.0 में सोशल मीडिया, ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस, डेटा मोनेटाइज होने लग गया, अब आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, राइट भी कर सकते हो। 3.0 में आपका हो गया NFT, नॉन फंजिबल टोकन, आप एक सेल्फी लो उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, जिसको लेनी होगी वो टोकन को पहले यूज करेगा, उसके बाद उसको उसके लिए पे करेगा, फिर वो इमेज कंज्यूम कर पाएगा। एंड सिमेंटिक वेब, मेटावर्स, AR VR, अब जो मेटावर्स है क्या है, एक डिजिटल स्पेस है जहाँ पे यू कैन टॉक पीपल, यू कैन वॉक विद पीपल, राइट, और आप सब कुछ कर सकते हो, आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको आईफिल टावर का टूर चाहिए, आप आईफिल टावर घूमने जा सकते हो एक हेडसेट लगा के, राइट। दिस इज VR, AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी भी है उसके अंदर, और आप बेसिकली एक ऐसा आप ऑफिस जा सकते हो, आप घर बैठ के ऑफिशियली फील ले सकते हो। सो ये सब चीजें हैं, ये भी फेसबुक नहीं, बट ये क्या मेटावर्स और इंटरनेट सेम है? नहीं, मेटावर्स जो बिल्ड हो इंटरनेट के ऊपर ही बिल्ड हुआ है, राइट। ब्लॉकचेन हो गया, अब ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक सिस्टम है, राइट, एक डेटाबेस है जिसकी हेल्प से हम एक डिसेंट्रलाइज ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, अब देखिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को समझिए। सेंट्रलाइज में क्या होता है, आपकी एक जगह एक एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज में क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ब्लॉक्स के अंदर स्टोर है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर तीन तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको दिखाता हूं। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक हर ब्लॉक का एक हैश होता है, यूनिक की होता है, आपने पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तो जो दूसरा ब्लॉक होगा आपका वो पहले ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगा, तीसरा ब्लॉक सेकंड ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगा। तो ब्लॉकचेन के अंदर आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे बिटकॉइन के केस में ट्रांजेक्शन रहेगी, ठीक है, और हैश आपका यूनिक नंबर होता है, और प्रीवियस हैश जो होता है वो आपका जो प्रीवियस ब्लॉक होगा, नेक्स्ट जो जैसे सेकंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस आपका सेकंड ब्लॉक स्टोर करेगा, थर्ड का जो थर्ड जो एड्रेस होगा, जो थर्ड ब्लॉक एड्रेस कंटेन करेगा वो सेकंड ब्लॉक का करेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, और हर ब्लॉक के अंदर एप्लीकेशन रहती है। क्या हम चेंज कर सकते हैं ब्लॉकचेन के डेटा को? यस वी कैन चेंज, बट बहुत सारे ब्लॉक, अगर 1 करोड़ ब्लॉक होंगे और हर ब्लॉक अगर 10 मिनट भी ले रहा है तो आपको 2 साल लग जाएंगे 1 करोड़ ब्लॉक चेंज करने में, इट्स नॉट पॉसिबल। और इसमें आप ऐसे कुछ भी डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, हर कोई ऑनर है, जो भी उसको यूज कर रहा है एप्लीकेशन को, हर कोई ऑनर है, ऐसे आप चेंज खुद से चेंज नहीं कर सकते, उसमें वोटिंग सिस्टम होता है। जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं सॉलिडिटी लैंग्वेज की हेल्प से, हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं, वहाँ पे हम रूल डिफाइन करते हैं कि अगर 60% लोगों की हाँ होगी तभी हम कुछ चेंज करेंगे, वरना चेंज नहीं करेंगे। दिस इज यू नो हाउ वेब 3.0, राइट। बट स्टिल अभी हम वेब 2.0 के अराउंड है, हम चीजें यूज करते हैं और एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर के पास जा रहा है, मुझे अपना दिमाग लगाना है कि मुझे कोई चीज लेनी है नहीं लेनी है। बट यस, आई थिंक अगर मैं बात करूं, जो फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरी है, रिएक्ट है, एंगुलर है, Vue.js है, ये गेम चेंजर है। इन्होंने एक माइंडसेट चेंज किया बिजनेस का भी, एज अ डेवलपर भी, कि आप कैसे एक स्मार्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, राइट, आप कैसे एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, आप एक पूरी एप्लीकेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, माइक्रो फ्रंट एंड, राइट, एंगुलर की हेल्प से एक कंप्लीट आपको फ्रेमवर्क मिला। एंड इन्होंने बहुत चीजें बदली, राइट, लाइन है बहुत अच्छी, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हैव revolutionized web development, enabling developers to build complex dynamic application much faster and more effectively than ever before. तो उन्होंने बहुत माइंडसेट चेंज किया, वेब एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, रेंडर टाइम कितना रहेगा, एप्लीकेशन कितनी फास्ट रहेगी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमाइजिंग वेब परफॉर्मेंस इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट एफिशियंट एक्सपीरियंस टू यूजर। ओवर द ईयर डेवलपर हैव डेवलप अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी फॉर बूस्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम CDN, ब्राउजर कैशिंग एंड लेजी लोडिंग। आपने CDN यूज किया होगा, आपने ब्राउजर कैशिंग यूज किया होगा, डायनेमिक
port, lazy loading, right? And webpack ki help se we can also, you know, hum apni application ki performance ko better kar sakte. So this is how guys kaise web evolved hua. 90s se leke 2003 tak web 1.0 main focus tha ki khali read kar sakte hain, jitna internet pe data dala jaye utna dala jayega, jitna dal sakte ho. 2.0 mein you can read, you can write as well. Web 3.0 mein you can read, write or you can execute web machine ki help se. Machine ab read karegi, data ko decide karegi. Ye aapka web 3.0 tha. So centralized and decentralized I think aapko clear hoga. To ye sab baatein maine us session mein kari thi. Although maine ek demo bhi diya tha pura blockchain ke upar aur discuss kiya tha aur detailing mein baat kari thi. Wo aap chahenge to main zarur cover karunga wo demo ke bare mein aur baat karunga. But mujhe ek cheez samajh aayi, web 3.0 bahut interesting hai yaar. Aur kahin na kahin jo web 2.0 mein hum technology use kar rahe hain wahi use hum kar rahe hote hain. Hame libraries milti hain. Ek decentralized agar aap app create karna chahte ho. Terms ki baat karun to hum metamask use kar rahe hote. Agar aapko payment leni hai ya transfer karni hai to aap metamask use karoge. Smart contract likhne ke liye aap solidity language use karoge. Agar aap locally application develop karna chahte hain to aap koi na koi network use karoge. Maine hardhat use kiya tha. Wo aapko ek blockchain deta hai. Us blockchain ki help se aap application create kar pate ho. Ether.js use ki thi maine. Theek hai. So I believe guys aapko kafi sara idea laga hoga and mujhe lagta hai, mujhe aisa personally lagta hai ye sab baatein aapko pata hona bahut zaruri hai. Agar aap web ke around hai and web developer hai, front end hai, back end hai aur full stack hai to ye pata hona chahiye. Is video ko zyada se zyada share karna aur mere se agar kuch seekha ho tumne to ye apne chote juniors jo hain, bhai bandhu sabko share karna, unko batana. And ye awareness bahut zaruri hai. Main chahta hu aap meri video jab dekhen to aapko koi value aapke mind mein add ho, aap kuch seekh ke jaye. Mera wahi objective rehta hai aur main jab aata hu bahut study karke aata hu topics ke bare mein, kahin na kahin aapko help mile. So I believe guys is video ne aapko bahut kuch sikhaya hoga aur agar koi aur video chahte ho mere se to please mujhe batana comment section ke andar. मैं जरूर कवर करूंगा और अच्छे से बात करूंगा टॉपिक के बारे में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, लाइक इमेज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. कमेंट करना, लाइक करना ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है एंड और कोई मोटिवेशन नहीं है. ठीक है, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेल आइकन. बाकी यू कैन सी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, यहाँ पे आ जाओ, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प मिलेगी उससे. ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर बहुत जल्दी किसी और वीडियो में. टिल देन ध्यान रखिए अपना. थैंक यू.